नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए चलते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की ओर। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम सिजवाहा स्थित करौंदी माता मंदिर के पास खेत में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे खेत को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर ना पहुंचने के कारण गांव वालों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जब तक फसल जलकर राख हो चुकी थी। खेत मालिक अरविंद ने बताया कि उनको आग की सूचना फोन पर मिली थी, जिससे वह दौड़कर अपने खेत पर पहुंचे, गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। वहीं उन्होंने बताया कि खेत में 2 क्विंटल बीज बोया था जो जलकर राख हो चुका है। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। क्या नाम? गीता। क्या हो गया? आग लग गई। गेहूँ बहुत मिल जाए हमें सहायता कुछ। बाबू को है। आप क्या करते हैं? खेती करता बट गया। आपका नाम? 2 क्विंटल बीज बोया था। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अरविंद। क्या हुआ है? यहाँ आग लग गई खेत में। कैसे फोन मिला आपका? हमें अब फ़ोन आया है यहाँ से, कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि भैया आपके खेत में आग लग गई, तो हम दौड़ते हुए आए। हाँ, गेहूँ हुआ था इसमें 2 क्विंटल बीज बोया हुआ था। ये सभी लोग आस पड़ोस के लोग दौड़े और सभी लोगों की मदद से आग बुझाई। फायर ब्रिगेड तो बहुत बाद में आई। अब हम ये चाहते हैं कुछ मदद मिल जाए।